मम्मी सेल्फी ऑन कर लो। उनको बोलो कर ली? राहुल सेल्फी ऑन करो। राहुल म्यूट है क्या? हेलो सो गए क्या खड़े खड़े? मुझे लगता था करवा चौथ के बारे में हर कोई जानता होगा बिकॉज वहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है एक्चुअली। तो अभी मैं चेन्नई में हूँ तो अभी मुझे रियलाइज हो रहा है दैट मेनी पीपल डोंट नो व्हाट करवा चौथ इज ऑल अबाउट। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स नो व्हाट इज करवा चौथ। इफ यू नो और इफ यू डोंट नो वट एवर इट इज जस्ट लेट मी नो in the comment box down below what do you think about. Well, I guess Karva Chauth happens in four phases, like first is prep, second is sargi, third is puja and fourth is final opening of the fast. Kehte hain fast kholna ya fast todna. First phase of this Karva Chauth vlog is preparations and that is the most exciting part. So for me this year I decided to go all red. I bought a red sari, matching earrings I bought yesterday. And I bought red churi which I'm wearing right now. Karva Chauth is a fast for married women and jo rakhne apne husband ki lambi umr ke liye. Well, personally, I do not believe ki mere fast rakhne se Rahul ki umr pe koi effect padega. But I find this fast so beautiful, so romantic and like it has a different charm of its own. Kyunki taiyar hone ko milta hai bahut sara and बहुत सारी पैम्परिंग मिलती है हस्बैंड से, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फास्ट। सो लाइक फॉर शॉपिंग इट इज बिलीव दैट 16 श्रृंगार करना होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शॉपिंग करते हैं, जैसे कि एक एथनिक वेयर हो गया, ये मेहंदी लगाना हो गया, सिंदूर, इयररिंग, बिछवे एंड पायल, चूड़ी, नेल पेंट, लाइक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 16 श्रृंगार। सो आई बॉट ऑल पॉसिबल थिंग्स फॉर मी विच आई कुड मैनेज, बट थिंग इज द थीम फॉर दिस करवा चौथ आई पुट माई सेल्फ इज रेड। आई एम गोइंग रेड दिस करवा चौथ। सेकेंड फेज इज हैविंग सर्जरी। सो आई वोक अप एट 5 a.m. इन द मॉर्निंग एंड हैड सर्जरी। जस्ट हैव अ लुक। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली इतनी प्रिपरेशन करने के बाद वो दिन आ गया है जिसे कहते हैं करवा चौथ। एंड अभी सुबह के 4 बज रहे हैं एंड आई डोंट नो मैं इतना फ्रेश और इतना एनर्जेटिक कैसे हूँ क्योंकि 4 बजे उतना इज लाइक आई कैन नॉट डू दिस। द फर्स्ट थिंग आई एम मेकिंग इज हलवा बिकॉज अगर कुछ क्योंकि मीठा खाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, शगन भी होता है एंड दूसरा रीज़न साइंटिफिक रीज़न इज दैट कि हलवे में थोड़ा घी होता है एंड चीनी भी होती है तो लाइक इट इज़ लाइक एन एनर्जी बूस्टर एंड इट विल गिव यू एनर्जी फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आज के दिन हम सब कैमल बन जाते हैं, डबल हम कैमल एंड वी कैन स्टोर सो मच ऑफ फूड बिफोर सनराइज फॉर द होल डे, दैट्स व्हाट द प्लान इज। एंड हलवा बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि जो मेरी प्यारी मॉमी है, मम्मी फॉर वॉचिंग दिस आई लव यू, तो मेरी प्यारी जो मॉमी है वो मुझे आटा भून के ड्राई फ्रूट्स डाल के उसमें घी चीनी सब डाल के मुझे ऑलरेडी एक बेस बनाकर वो रख देती हैं कि जब भी मेरा मीठा खाने का मन करता है या फिर कभी भी कुछ भी ओकेजन है तो आई जस्ट नीड टू ऐड 1 teaspoon ऑफ घी एंड आई हैव टू मिक्स दैट मिक्सचर जस्ट स्टिर फॉर वाइल एंड ऐड सम वाटर एंड अ लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड दैट्स ऑल। इट्स जस्ट अ 5-minute फिनोमेना दैट आई नीडेड टू मेक दिस हलवा एंड द हलवा विच टर्न्स आउट टू बी सो डिलीशियस। बस रेडी होने वाला है एंड आई थिंक सेकेंड थिंग आई एम हैविंग इज नमकीन सेवैयाँ और बैम्बिनो और वर्मिसेली व्हाटएवर यू कॉल्ड इट एंड वो सिर्फ मैं बना रही हूँ हींग जीरे टमाटर में बिकॉज अनियन एंड गार्लिक नहीं खाना होता तो द सेकेंड ऑप्शन इज दैट कि आटा लगाने का एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बंदे के लिए आटा बनाना लगाना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी। सबसे ईजीएस्ट एंड जो हमें सेल होती है वो थोड़ी हेल्दी भी होती है तो
बनाते बनाते 5:30 बज गए हैं एंड हैविंग सेवैयां, दिस इज हलवा एंड सम फ्रूट्स एंड एक्चुअली थोड़ी मट्टी खानी होती है. आई टोल्ड यू आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मट्टी, सो आई जस्ट फॉर अ शगन मैंने थोड़ी सी ले ली है. जल्दी से मैं अपनी जर्की खाती हूँ एंड फिर मुझे सोना है एंड देन मुझे ऑफिस जाना है. मिलते हैं करवा चौथ के 3rd फेज में. बाय. इट्स 2 PM राइट नाउ एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर दी पूजा एट विच वी आर हैविंग एट 3 PM. सो प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर पूजा एंड गेटिंग रेडी. So see you after some time. Bye. Hi everyone. I am ready. So I wore this red sari. Now this is phase 3 of Karwa Chauth fast. That is puja. So actually I'm waiting for my friend. She is coming over and then we'll do the rituals together. Hi everyone. So ये है मेरी friend Sonia. इतनी beautiful लग रही है. Hi friends. और अभी हम लोग कहानी सुनने वाले हैं और पूजा जो भी हम लोग करते हैं वो हम लोग करने वाले हैं. और लुक एट हर एंड लुक एट हर हेयर स्टाइल. पीछे मुड़ना. ऑल थैंक्स टू दीपशिका. ओह माय गॉड, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. एंड दीपशिका स्पेशल क्रेडिट्स. करने के बाद हमने एक मतलब ब्रेक होता है पूरा दिन. मैंने अभी चाय पी, फिर चाय पी हमने फ्रूट्स खाए एंड अभी जो मेरी फ्रेंड है वो चले गई है. सो अभी 6 बज रहे हैं एंड चाँद निकलने का टाइम है 8:15 बजे. तो बस अब 2 घंटे और निकालने हैं एंड इसके बाद कुछ मिलेगा खाने को. हाय एवरीबॉडी. तो अभी बज रहे हैं 8:30 और दिल्ली में तो चांद आ गया है एंड दी 4th फेज ऑफ करवा चौथ व्लॉग फास्ट खोलने वाली हूँ मैं बस अभी थोड़ी देर में. तो दिल्ली में चांद आ गया है. चेन्नई में सुबह से बारिश वाला मौसम है तो यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा तो पता नहीं. अभी छत पे और चांद का वेट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रहा है तो कहीं भी नहीं दिख रहा है. तो लाइक वी हैव प्लान्ड कि वीडियो कॉल पर ही चांद भी देख लेते हैं एंड ऑल को भी देख लेते हैं और फास्ट अपना ओपन कर लेते हैं. पानी पिलाओ चलो. ओके मीठा खाओ कुछ है क्या थाली में. वेल डन. आशीर्वाद दो. सो फाइनली दिस करवा चौथ व्लॉग हैज कम टू एन एंड. मैंने अपना फास्ट ओपन कर लिया है. आई हैड सम पूरी एंड छोले एंड सम मीठा. सो आई एम फुल नाउ. I hope you enjoyed the whole vlog so you know the rituals what you have to do. Please, if you are new to my channel and you are watching my videos for the first time, do subscribe to my channel for the upcoming videos. I make videos on travel, lifestyle and DIYs. So I'm just going to change my PJs. Meanwhile, just go and subscribe to my channel. Bye. यार जला के देना यार दीदी. यार अरुणा सर अरुणा अरुणा वेल प्लेड. कैमरामैन 2 अभी मम्मी सेल्फी ऑन कर लो उनको बोलो. राहुल मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँ यार, मुझे भी थोड़ी जगह दो.